कैलकुलेट दी CFAC ऑफ फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ठीक है फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैं एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देता हूँ. पहला ध्यान देंगे, सबसे पहला काम होता है कि आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, है ना. कैसे? x माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, ठीक है भाई. फिर x इक्वल्स टू सिक्स माइनस फोर इक्वल्स टू प्लस टू. तो आयरन किस स्टेट में हुआ? आयरन प्लस टू में हुआ. जैसे ही आयरन आपको प्लस टू में पता चला, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिख दीजिए, 3d6 होगा, है ना. और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से पता चल रहा है क्या है? ऑक्टाहेड्रल. अब उससे बाद अब फील्ड को पहचानिए. यहाँ से देखें 3d मेटल है, प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए फील्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग. अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? तो ये जो d6 जो भी होगा, मैं इस सीधा लिखता हूँ, d6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये स्प्लिटेड लेवल में भरिए, ये ऐसे, और ये लीजिए ऐसा, होगा ना, t2g नीचे eg ऊपर, t2g और eg, ठीक है. अब हमको स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरना है इलेक्ट्रॉन, तो कैसे भरेगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऊपर खाली रहेगा. CFAC कैलकुलेट कैसे करना है? CFAC इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा कैसे, कि माइनस, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 6 इंटू माइनस 0.4 प्लस 0 है, है ना, और इंटू 0.6 लिखने की ज़रूरत नहीं है. ब्रैकेट के बाहर डेल्टा ओ, पेयरिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग में ज़रूरत पड़ती है. कैसे भाई? अगर ये पेयरिंग नहीं हो पाता तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसे होता, लेकिन अगर पेयरिंग हो गया है तो क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पर देखो, अगर पेयरिंग नहीं होता तो एक पेयर बनता, पेयरिंग हो गया तो 3 पेयर बना, एक्स्ट्रा कितना पेयर बना? 2 पेयर बना. तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 पेयरिंग एनर्जी, है ना. फिर यहाँ से कितना होगा? माइनस 2.4 प्लस 2p. ये हो गया पहले का सॉल्यूशन. आप अच्छे से देखिए, नोट करिए, फिर मैं दूसरे में चलता हूँ, ठीक है भाई. चलो दूसरे में, हाँ देखें, जरा देखें दूसरा में. ये जो दूसरा कंडीशन लिखा है उस पर आता हूँ. दूसरा कंडीशन कैसे समझेंगे? कि यहाँ पर आयरन का फिर से x मान लिए, माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है. x इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस 2. अब देखिए, आयरन किस में आया? प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट में. तो प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट में आया तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? 3d6. फिर से फील्ड की बात कर लेते हैं एक बार. फील्ड कैसे चेक करते हैं? पहले देखते हैं मेटल, मेटल आयरन है, 3d है, तो फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन 3 से कम है, तो फिर हम देखते हैं लिगेंड, लिगेंड कैसा? वीक. वीक मतलब यहाँ पर भी फील्ड होगा वीक, ठीक है क्या. फिर उसके बाद देखिए, फील्ड वीक हो गया, क्या करें? वीक फील्ड d6 है, ऑक्टाहेड्रल है, भरिए जरा वीक फील्ड को, स्प्लिटेड लेवल में भरिए, है ना, क्योंकि स्प्लिटेड लेवल में ही काम है. 6 को कैसे भरेंगे वीक फील्ड में? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है. इसमें कैसे करें? यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो 4 इंटू, CFA से निकाल रहा हूँ, 4 इंटू 0.4 प्लस 2 है यहाँ पर, 2 इंटू 0.6, ब्रैकेट के बाहर डेल्टा ओ, और वीक फील्ड में पेयरिंग एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. तो अब कैसे हो जाएगा भाई? कि यहाँ से देख लीजिए, 4 चौके 16 माइनस 1.6 प्लस 6 दोने 12 1.2 और डेल्टा ओ. तो 12 और 16 का डिफरेंसेस जब करिएगा तो निकलेगा माइनस 0.4 डेल्टा ओ. ये हो गया इस दूसरे का आंसर, ठीक है क्या, क्लियर है. कोबाल्ट का जब 3+ कॉम्प्लेक्स होता है तो कुछ लिगेंड वीक होते हुए भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, तो वाटर उनमें से आता है जो अब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगेगा, तो फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा. ये अब नॉर्मल केस में पढ़ चुके हैं, इसमें फील्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग. अब आप जानते हो यहाँ पर ये x 0 वाटर का और ये +3,
तो एक्स प्लस थ्री हो गया, तो क्या होगा कोबाल्ट प्लस थ्री, तो थ्री डी सेवन होता है प्लस टू में, तो थ्री है तो प्लस थ्री है तो सिक्स हो गया। अब फील्ड कैसा हो गया भाई, फील्ड चेक करिए, फील्ड में अब नॉर्मल कैसे नोट पॉइंट को याद रखेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे देखते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे, तो जरा देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऐसे बोल सकता हूँ कि डी सिक्स फिर से वैसे ही जैसे अभी देख रहे थे, ये लीजिए एक दो तीन, है ना, फिर एक दो तीन हो गया, उसके बाद भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना चार पाँच छः, और मेरे ख्याल से ऐसा कहीं पर किए हैं, ये देखिए सेम टू सेम, है ना, तो सेम यही आंसर आएगा सी एफ ए सी का। अब और करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो करेंगे, माइनस टू पॉइंट फोर प्लस ना माइनस टू पॉइंट फोर डेल्टा ओ है और प्लस टू पी है, है ना, यहाँ पर भी डेल्टा ओ लगाएंगे, ये लीजिए तीन क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है क्या।